हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाऊंगा एक अमेरिकन ग्रॉसरी स्टोर वॉक पे। मैं हूँ वैल्यू फ्रेश ग्रॉसरी स्टोर, जो कि जर्सी सिटी में है और जर्सी सिटी का वन ऑफ द गुड ग्रॉसरी स्टोर है। तो चलो देखते हैं अंदर से कैसे दिखता है अमेरिका का ग्रॉसरी स्टोर। हम हैं फल वाले सेक्शन में, फल और वेजिटेबल सेक्शन। आप देख सकते हो कि सभी टाइप की सब्जी और फल यहाँ रखे हुए हैं, एकदम साफ सुथरे। हर सब्जी क्लीन करके रखी हुई है। मुझे मेरे कुछ रिलेटिव्स ने पूछा था कि इंडिया की ऐसी कौन सी सब्जी अमेरिका में नहीं मिलती। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे याद आया कि करेला मैंने कभी भी अमेरिकन स्टोर में नहीं देखा। हर सब्जी का रेट यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है। सब्जी नहीं बल्कि हर कोई आइटम आप लेने जाओगे ग्रॉसरी स्टोर में या फिर शॉप में, तो उनके जो रेट होता है वो क्लियरली वहाँ पे लिखा होता है। उसमें भी आप जो आपको चीज़ पसंद है उसको चुन के ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब बस किसी ने उठा के आपको डाल दिया आपके बैग में और आपको लेके जाना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोग मास्क पहन के चल रहे हैं। दे आर फॉलोइंग द पैंडेमिक रूल्स। हर किसी को मास्क पहन के चलना है। नारियल पानी, कोकोनट वाटर। हाँ, हमें ऐसे ही कोकोनट वाटर पीना पड़ता है। इंडिया के जैसे नहीं है कि ग्रीन कोकोनट लिया उसको काट के फिर हम लोग उसको पीते हैं। यहाँ पे भी मिलता है बट बहुत से कम स्टोर्स है जहाँ पे आपको ग्रीन कोकोनट मिलेगा। अदरवाइज हमें ऐसे ही टेट्रा पैक में नारियल पानी मिलता है। यहाँ पर नमक और शुगर रखा हुआ है। ये हमारे लेफ्ट साइड में तीन टाइप्स के ओनियन रखे हुए हैं, व्हाइट ओनियन, रेड ओनियन एंड येलो ओनियन। और ये आए हम लोग इंडियन सेक्शन में। सेक्शन तो नहीं कहेंगे लेकिन एक शेल्फ दिया हुआ है जहाँ पर इंडियन सामान आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये अमेरिकन स्टोर है बट फिर भी कुछ इंडियन कस्टमर यहाँ आते हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ स्पेसिफिक आइटम्स यहाँ पे रखे होते हैं, जैसे कि रवा है, गुड़ है जो हमेशा हमें लगता है, बच्चों के लिए बॉर्नविटा है या फिर मैदा लगता है। ऐसे यहाँ पर मसाला भी मिल जाएगा आपको। ये सारी चीज़ें हमें इजीली मिल जाएगी बट सब कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि आटा, अगर आप ढूंढोगे तो आटा तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, उसके लिए तो आपको इंडियन स्टोर में जाना पड़ेगा। दोस्तों, अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
नीचे दिए हुए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके सामने दिया हुआ ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ज़रूर दबाएं और पूरा वीडियो देखें और ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यह है फ्रोजन सेक्शन और हम लोग अभी जा रहे हैं डेयरी सेक्शन में, जहाँ पर हमें सारे मिल्क प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, मिल्क, दही। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ मिल्क कैसे मिलता है। यहाँ पर मिल्क गैलन्स में मिलेगा आपको। इतना बड़ा कैन एक बार ले लो और एक हफ्ते भर चल जाता है, बस उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। मैं वीकेंड को आया हूँ यहाँ ग्रोसरी लेने। मैं प्रिफर करता हूँ कि थोड़ा वीकेंड में, या तो सैटरडे मॉर्निंग अर्ली या फिर संडे मॉर्निंग अर्ली अगर आ जाते हैं तो बहुत भीड़ कम मिलती है। इसीलिए आप देख सकते हो कि बहुत कम कस्टमर्स हैं। इससे बिकॉज ऑफ पेंडेमिक इससे क्या होता है कि आप लोग भी दूसरों से डिस्टेंस बनाए रखते हो और दूसरे लोगों के लिए भी सुविधा हो जाती है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं है।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।